एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कुछ खास। मैं हूँ युवराज। मैं हूँ अमृता। आज हम लाए आपके लिए मेरी फेवरेट डिश आलू मेथी। इसकी खास बात यह है कि ये 100% ऑयल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। आलू मेथी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक फ्रेश मेथी, इस तरह के छोटे आलू, लहसुन और थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक भी। सबसे पहले हम आलू बॉईल करते हैं। आलू बॉईल करने के लिए हम 1/2 कप पानी लेंगे इसमें, और इसमें हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। इसे हम इस तरह से थोड़ा पीला लेंगे। और ये जो आलू हमने धोकर साफ पानी से रखे हुए हैं, वो हम इसमें रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे आलू में भी नमक अच्छी तरह से पकड़ लेगा, और वो हमें खाने में फीके नहीं लगेंगे। अब हम मेथी के लीव्स को उसके स्टेम से अलग करेंगे इस तरह से। सारी मेथी हम अलग कर देंगे, स्टेम्स भी नहीं चाहिए। अब हम गार्लिक को बारीक बारीक काट लेंगे। हमारे आलू बॉईल हो गए हैं, हमने इस तरह से इसे पील करके रख दिया है। हमारी मेथी भी हमने धो के साफ करके रख दी है। हमारा हरा लहसुन भी हमने इस तरह से बारीक कट करके रख दिया है। ये थोड़ा सादा लहसुन भी हमने लिया है, 5-6 कलियां, जिसे हमने इस तरह से लंबे लंबे पीस में कट कर ली है। और हमारे बाकी के सारे मसाले, लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक भी रेडी है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गार्लिक, इसे हम गैस हमने धीमी आंच पे ही रखा है। इसे हम 10 से 15 सेकंड तक ऐसे ही थोड़ा रहने देंगे, थोड़ा सोते कर लेंगे। हम इसमें हमारा हरा लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें बॉयल आलू डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश मेथी। आपको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि मेथी हमने धो के पानी में रखी थी, तो उसका जो पानी अभी छूटेगा उसी में ही हमें हमारी सब्जी पक जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम सारे मसाले, मेथी और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं। 5 मिनट हो गई है, अब हम देखते हैं।
इसे फिर से हम मसाले सारे मिक्स कर लेते हैं। अभी भी पानी इसमें है, जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए, एब्जॉर्ब ना कर ले भाजी पूरी, तब तक हम इसे ऐसे ही गैस पे रहने देते हैं। जब तक हमारी भाजी बनके रेडी हो रही है, तब तक हम बनाते हैं जवारी रोटी। जवारी की रोटी बनाने के लिए हमें लिया है 4 से 5 टेबलस्पून जवारी का आटा। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, और आटा बनाने के लिए हमें लेना है थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना सा वार्म वाटर लेना है। इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा बनाएंगे। रोटी बनाने के लिए हमें इस तरह से गोल बना लेंगे। इसे पहले इसे हमें ड्राई आटे में डीप करेंगे। हमने एक ये इस तरह का पेपर लिया है, जिसके ऊपर हम ये रख के गोल इसे हमें हाथ से करना है। ये पेपर आप रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा रोटी बनाने के लिए। डायरेक्ट अगर आपने इस पे रखा तो आटा चिपक जाएगा नीचे से। आपको अगर वैसे जम रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बेलन से भी कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रोटी बना सकते हैं कैसे भी। चलो भाई, रोटी बन के रेडी हो गई है। इस तरह से पेपर अब हम निकाल लेंगे। देखिए रोटी हमारी रेडी हो गई है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें थोड़ा पानी लेके उसको इसके पे से डालना है। हमारी आलू मेथी तैयार हो गई है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। जवारी रोटी, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी हेल्दी। This dish is completely oil-free and very healthy and tasty. You should also try this at your home. And if you liked our video, kindly subscribe, share, like and comment. Milte hain agle video mein. Tab tak ke liye, bye.
बाय।